फिरोजाबाद में बीते दिनों शिवसेना जिलाध्यक्ष पंडित राजीव शर्मा द्वारा इलाहाबाद कोर्ट में रिट डाली गई थी, जिसमें शहर में व्याप्त गंदगी, नैनी ग्लास चौराहे पर व्याप्त गंदगी, जानवरों के अवशेष फेंकने को लेकर व जलेसर रोड के खत्ता घर को हटाने की मांग को लेकर अवगत कराया गया था। उनकी इस मांग पर हाईकोर्ट के डबल बेंच के जज पंकज मित्तल और प्रकाश पाड़िया ने रिट में लिखे गए तथ्यों को सही मानते हुए रिट को जनहित याचिका में बदलकर दायर कर लिया और 3 हफ्ते में शासन प्रशासन को शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। इस बारे में जब हमारी टीम ने नैनी ग्लास जाडापुरी बीपीएल ग्राउंड पर सर्वे किया तो वहां गंदगी व जानवरों के अवशेष पड़े मिले। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि शिकायत करने पर भी कोई खास कदम नहीं उठाई। वहीं नगर आयुक्त विजय कुमार ने कहा, हमारी टीमें लगी हुई है, जगह जगह सफाई करवाई जा रही है, शिकायतों को दूर कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। यहाँ पे इतनी दुर्गंध आती है, बदबू आती है, क्या वजह क्या है यहाँ पे? वजह क्या भाई साहब, यहाँ पे वो भैंसों का लाल वाला डलता रहता है, गंदगी सब यहीं पे डलती है भाई साहब। ना तो बैठ सकते, ना उठ सकते, ना खाना पीना कुछ खाई की बात नहीं। शिकायत किसी उच्च अधिकारी या नगर निगम ने किया? कई दफा भाई साहब वो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, उठा उठा पड़ा रहता है यहाँ तो गंदगी। कब से डलती है यहाँ पे? ये तो हम बचपन से ऐसे ही देख रहे हैं। इसका कोई संशोधन नहीं किया गया? इसका कोई संशोधन देखे नगर निगम द्वारा जिन स्थानों पर जो हमारे कूड़ा कर रहे हैं या जो हमारे कूड़ा कलेक्शन किया जा रहा है, उधर प्रतिदिन कार्य किया जा रहा है। बीच में कुछ और खराब थे जिनको ठीक कराया जा रहा है। इसके अलावा अभियान चला के ऐसे क्षेत्रों में सफाई की जा रही है। एक माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर हुई थी, जिसके क्रम में ये अभियान भी चलाया जा रहा है और हम सारी चीज़ें बता रहे हैं।